आंगनबाड़ी सेविकाओं ने पेंशन रिटायरमेंट नीति जैसी मांगों को लेकर राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी सेविकाएं मोरहाबादी से पैदल मार्च करते हुए रांची राजभवन पहुंची, जहां विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले आंगनबाड़ी सेविकाएं मुख्यमंत्री आवास घेराव करने पहुंची थी, लेकिन प्रशासन की बंदोबस्ती के कारण मुख्यमंत्री आवास नहीं पहुंच सके। इसके बाद राजभवन के सामने जमकर प्रदर्शन किया। राजधानी रांची में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। स्वयंसेवक संघ प्रोजेक्ट भवन का घेराव करने पहुंचे, हालांकि उन्हें प्रोजेक्ट भवन से 200 मीटर के पहले ही रोक दिया गया। धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों से बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल ने। झारखंड के 2400 जिला से पंचायत स्वयं संघ सचिव जो है झारखंड प्रोजेक्ट भवन का घेराव करने आए हैं, लेकिन इन्हें धुरवा चौक पर रोक दिया गया है। पुलिस प्रशासन भारी संख्या में मौजूद है और इनकी 5 सूत्री मांगे हैं और भी क्या कुछ समस्याएं हैं, उनसे ही जानेंगे। सीधे हम इन जो स्वयंसेवक संघ सचिव हैं इनसे बात करेंगे, क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग आज यहां प्रोजेक्ट भवन घेराव के लिए पहुंचे। हम लोग बीते 90 दिनों से बैठे हुए हैं राजभवन के समीप और हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बीच बीच में हम लोग बड़ा प्रोग्राम भी कर रहे हैं, पर इस मुख्यमंत्री को हेमंत सोरेन जी को दिखाई नहीं दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है कि हमारे झारखंड के भाई बहन बैठे हुए हैं रोड पे और ये अपना प्लान दूसरे जगह बना रहे हैं और हम लोगों से ये बूझ पा के भाग रही है। वो नहीं चाहती है कि हम लोग से वार्ता करें, लेकिन हम लोग भी झारखंडी है और हम लोग वार्ता करके रहेंगे। क्या लगता है मुख्यमंत्री या यहाँ के अधिकारी आप लोगों की बातें सुनेंगे? हाँ, हम लोग एक आस के ही साथ आज जो है आंदोलन में जो है आज आए हुए हैं। आज अनिश्चित आंदोलन करते हुए हम लोग को 30 दिन हो चला है और हम लोग को कहीं न कहीं इस मुख्यमंत्री पर आस है, विश्वास है, इसलिए आज हम लोग जो है राजभवन के काफी करीब है मुख्यमंत्री आवास, उसके बाद भी 3 महीने का से अधिक का समय आप लोगों को हो गया राजभवन, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से एक बार भी वार्ता के लिए नहीं बुलाया जा रहा। अब आप लोग कह रहे हैं हम रोड पे रहेंगे, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री अधिकारी की नींद टूटेगी? हम लोग जब तक अभी बात नहीं होता है, वार्ता नहीं होता है, अपना मांग को पूरा नहीं होता है, तब तक यहाँ चाहे जितने दिन रहना पड़े, अब यही हम लोग अपना आसन जमा लिए हैं और जमाए रहेंगे। देखिए, आर पार की लड़ाई की बात कही जा रही है, हालांकि पंचायत स्वयं सेवक क्या आगे की रणनीति बनाएंगे कहना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तरीके के वादे किए गए थे सरकार की ओर से सत्ता में आने से पहले, वादों को लेकर आज ये सड़क पर उतरे। हालांकि इससे पहले 90 दिनों तक राजभवन के पास प्रदर्शन किए, धरना दिए, कई साथियों की जाने चली गई है और उसके बावजूद इनके साथ अभी फिलहाल न्याय होता दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से फायर ब्रिगेड गाड़ी हो की बात कर लें या पुलिस बल की बात करें, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं कि किसी भी हाल में इस बैरिकेडिंग से आगे पंचायत सेवक आगे न बढ़ पाए, इसकी सारी तैयारियां की गई। सहयोगी संजय पांडे के साथ राहुल कुमार, TV45 रांची।